Hello everyone, today I am going to teach you one more topic from surveying. The subject code of surveying is 1615302 from unit number 4. The topic is height of instrument method from leveling. We are going to solve numerical problem. ठीक है, तो हम लोग आगे जब स्लाइड देखेंगे तो इसको सिर्फ हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एच आई से डिनोट करेंगे. ठीक है, आइस बेस पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Slide is content of the lecture. So what we are going to study, we are going to study height of instrument method numerical we are going to see in this video class. So height of instrument nikalne ka kuch basic rules hota hai, us basic rules ko bhi dekhenge, fir hum log aage badhenge. Theek hai, to detail content of height of instrument method. तो क्या हमारा डिटेल कंटेंट है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको आरएल दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आरएल दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है. तो कैसे क्या निकालेंगे, आरएल का मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड या बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, जो भी हमारा दिया हुआ है दोनों में से कोई भी, उससे हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को निकाल लेंगे तो हमारा आरएल निकल जाएगा. ठीक है, अगर हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, तो कैसे निकालिएगा आप, सिंपल सी बात है, जो भी आपका बेंचमार्क और आरएल दिया हुआ है, ठीक है, आरएल और बेंचमार्क क्या होता है, आरएल का मतलब होता है, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, प्लस बैक साइड, ठीक है, तो उससे हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा. तो एब्रीवेशन मैं बता दूँ तो आरएल का मतलब होता है रेड्यूस लेवल, क्या होता है, रेड्यूस लेवल. ठीक है, एचआई का मतलब होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फिर है एफ एस फोर साइट, आई एस इंटरमीडिएट साइट, साइट का मतलब होता है देखना, ठीक है, एंड बैक बैक साइड, ठीक है, तो जो अब्रिवेशन दो बताए हैं उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करा है. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अब्टेनिंग आरएल ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहता है लाइन ऑफ साइट, जो आप लोग डंपी डंपी लेवल में जो डंपी से इस्तेमाल करते हैं, दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियोज दैट कितने प्रकार का होता है, डंपी लेवल होता है, वाई लेवल होता है, ऑटो लेवल होता है, टिल्टिंग लेवल होता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, लाइन ऑफ टेलीस्कोप से हम लोग उसको किसको देखते हैं, क्रॉस स्टाफ को देखते हैं, स्टाफ को देखते हैं, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, रीडिंग्स को निकालते हैं. ठीक है, उससे हमारा पता लगता है कि जो हमारा जो सतह है लेवल में है कि नहीं, अगर लेवल में नहीं है तो हमारा क्या होगा, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ रिड्यूसिंग लेवल, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, द मेथड कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एवरी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जहाँ भी आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे, चाहे फोर साइड में, बैक साइड में या इंटरमीडिएट पॉइंट में भी. ठीक है, तो रेफरेंस में हम लोग क्या निकालते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जो सॉल्व करने से पहले क्या देखेंगे, जनरल रूल्स. ठीक है, तो जनरल रूल्स कैसे देखेंगे, सब जनरल रूल्स है, तो जनरल रूल्स का जो फार्मूला है आपको मैं बता देता हूँ. ठीक है, तब हम लोग इस पिक्चर को देखेंगे, जनरल रूल्स इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल को. ठीक है, तो जनरल रूल्स क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपको निकालना है तो आपको कैसे निकालना होगा, बेंचमार्क या आरएल, दोनों में से जो कोई भी दिया रहेगा तो उसी को इस्तेमाल करके उसमें बैक साइड को जब आप ऐड कर दीजिएगा, तो बैक साइड क्या होता है देख सकते हैं. ठीक है, पॉइंट हमारा यहाँ देख सकते हैं, बैक साइड क्या है, ये अगर हमारा डंपी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टाफ. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो हमारा एवरी फर्स्ट रीडिंग इज बैक साइड. ठीक है, इसके बाद हमारा ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट है, राइट, बी पॉइंट में हमारा इंटरमीडिएट है. फिर हमारा ये चेंज हुआ, तो चेंज हुआ तो यहाँ पे आ गया, सी पी का मतलब होता है चेंज पॉइंट. ठीक है, तो हमने चेंज पॉइंट किया तो हमारा जो वैल्यू आया, तो उसका जो पहला रीडिंग होता है क्या होता है, बैक साइड होता है. ठीक है, 1.45. ठीक है, और ये हमारा एफ एस है, इससे हमारा देखा तो एफ एस आया कितना आएगा, 1.050.
ठीक है। इस मेथड को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा आरएल दिया रहता है, सपोज आपका आरएल नहीं दिया हुआ है, इफ आरएल इज नॉट गिवन देन यू नीड टू कंज्यूम बिटवीन 100 टू 200 मीटर तक आप अस्यूम कर सकते हैं, तब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। तो आज एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इस तरह जाता है, ठीक है, द फॉलोइंग स्टाफ, मैं आपको न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग, रीडिंग वेयर ऑब्जर्व, क्या वेयर ऑब्जर्व विथ ए लेवल द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव्ड After third, sixth and eighth reading, ठीक है। इस क्वेश्चन दिया है कि जो हम लोग रीडिंग निकाले हैं उसमें तीसरा रीडिंग, छठा रीडिंग, आठवां रीडिंग में हमारा जो क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया गया, वो प्लेस कर दिया गया, तो हमारा कौन कौन सा रीडिंग है देख लीजिए। हमारा रीडिंग दिया हुआ है, पहला रीडिंग 2.2 2.5 1.665 2.09 0 2.865 1.265 1.265 लास्ट हमारा रीडिंग है 2.685 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग लिया गया है, तो आप देख सकते हैं हमारा चेंज पॉइंट कहाँ कहाँ है। चेंज पॉइंट है थर्ड में, सिक्स्थ में और एट्थ में, तो हम लोग काउंट करेंगे 1 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा एक चेंज पॉइंट है, 4 5 6, फिर यहाँ पे भी हमारा चेंज पॉइंट है, तो हो गया थर्ड सिक्स एंड 7 8, फिर यहाँ पे हमारा चेंज पॉइंट है। तो ये तीन हमारा क्या है, चेंज पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, प्लॉट, ठीक है, द रीडिंग किसमें करना है हमारा, लेवल बुक में, ठीक है। और हमारा यहाँ बेंचमार्क जो दिया हुआ है, बेंचमार्क कितना दिया हुआ है, 135.75 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये ऐसा करके क्वेश्चन रहेगा। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या हर एक पॉइंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, और आपको क्या निकालना है, रिड्यूस लेवल निकालना है। हैव टू फाइंड व्हाट, फाइंड आर एल एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एवरी स्टेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे करके दिया रहेगा, और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, प्लॉटिंग करने आना चाहिए। जब प्लॉटिंग करना सीख लीजिएगा तो आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को प्लॉट करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, मैं सबको रेड में लिख देता हूँ उसको, स्टेशन, दूसरा हो गया बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आरएल, लास्ट वाला क्या है, रिमार्क्स। अब हम इसको हम लोग एक प्लॉटिंग कर देते हैं,
टेबल टाइप हम बना देते हैं। ठीक है, हम टेबल बना रहे हैं, फिर उसे को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो हम ले लेते हैं स्टेशन वन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था कि हमारा पहला पॉइंट क्या था, एवरी फर्स्ट पॉइंट इज क्या रहता है हमारा, सबसे पहले हम लोग सिर्फ तीन ही चीज़ को प्लॉट करेंगे, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड को। अब इसको प्लॉट करके तब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आरएल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट करा, तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबरिंग, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिएगा, 2.225, ये हमारा क्या हो गया, बैक साइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके बाद जो हमारा रीडिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये हो गया हमारा सबसे पहला टेबल टाइप आपको बनाना है, एंड यू नीड टू यूज कैलकुलेटर वेरी स्मार्टली, तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगर एक भी गलती, एक भी स्टेप में गलती हुआ है तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट पॉइंट दिया हुआ है, तो इंटरमीडिएट पॉइंट कितना दिया हुआ है, 1.605, ये हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि थर्ड में पॉइंट में क्या हुआ है, हमारा चेंज पॉइंट आया है, क्या हुआ है थर्ड में हमारा चेंज पॉइंट आया है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये थर्ड स्टेशन, तो थर्ड स्टेशन में हमारा चेंज पॉइंट आया था, तो उसका जो पहला रीडिंग होगा क्या होगा, थर्ड में जो पहला रीडिंग होगा वो किस में होगा, हमारा फोर साइड में होगा। चेंज पॉइंट के बाद जो भी पहला रीडिंग होगा हमारा किस में होगा, फोर साइड में, 0.995। और उसके बाद वाला जो रीडिंग आएगा सेम लाइन में, वो क्या होगा, हमारा बैक साइड होगा। तो हमने सेम प्लॉट करा, 2.090। ठीक है, फिर हमने इसको टेबल ड्रॉ कर दिया। अब निकालते हैं हम लोग चौथा स्टेशन का। फोर्थ स्टेशन में अगेन हमारा जो इंटरमीडिएट पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.865। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेशन। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, हमारा सिक्स में अगेन चेंज है, तो जो सिक्स है वो हमारा किस में आएगा, फोर साइड में आएगा, 1.265। और उसके बाद वाला जो पहला रीडिंग होगा किस में आएगा, बैक साइड में आएगा, 0.600, ये हमारा हो गया फिफ्थ रीडिंग। हमने प्लॉट करा, ठीक है, अब सिक्स में देखेंगे तो हमारा फिर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एट्थ में अगेन चेंज है, तो एट्थ वाला पॉइंट किस में लिखाएगा हमारा, फोर साइड में। फोर साइड में हमने लिखा 1.985। उसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आता है ऑलवेज हम लोग किस में लिखते हैं, बैक साइड में लिखते हैं, तो हमारा 1.045। और एवरी लास्ट रीडिंग हमारा जो क्या होता है, कहाँ लिखाता है, फोर साइड में लिखाता है, लास्ट रीडिंग इज ऑलवेज रिटन इन फोर साइड, तो 2.685। ठीक है, तो ये हमने प्लॉट कर लिया, और हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, बेंचमार्क दिया हुआ था, बेंचमार्क में हम लोग रिमार्क में लिख देंगे, कितना दिया हुआ था, 135.75 meter। ठीक है, ये हमारा क्या था, बेंचमार्क दिया हुआ था, तो बेंचमार्क भी बोले नहीं तो आरएल भी बोले, तो आरएल हमारा कितना दिया हुआ है, सेम 135.75 meter। अब आपको हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, और क्या निकालना है हमारा, रेडियस लेवल। तो इसका फार्मूला अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला होता है क्या, बेंचमार्क या आरएल, दोनों में से जो भी दिया हुआ है, प्लस बैक साइड, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और आरएल का क्या फॉर्मूला था, आरएल निकालने का सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड या बैक साइड, दोनों में जो भी दिया हुआ है, या इंटरमीडिएट साइड, ये दोनों टर्म फार्मूला को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इसको आप प्लॉटिंग को आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आरएल दिया हुआ है, ठीक है, और बीएस दिया हुआ है, आरएल और बीएस दिया हुआ है स्टेशन वन के लिए, तो हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेंचमार्क या रेड्यूस लेवल। तो हमारा यहाँ बेंचमार्क या रेड्यूस लेवल कितना दिया, 135.75। ठीक है, और हमारा बैक साइड कितना आएगा, 2.25। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, तो इसलिए आपको कैलकुलेटर एक्टिवली इस्तेमाल करना, 137.975। तो ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इसी से अब आपको क्या हुआ ना, माइनस करना है जब तक आपका चेंज पॉइंट ना आता हो, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस हम करेंगे 1.605।
तो ये जब इससे माइनस होगा फ्रॉम दिस, इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या है नेक्स्ट आरएल निकल जाएगा। तो आरएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो हमारा कितना दिया हुआ 137.975 माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑफ फोर्स है, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा नेक्स्ट रीडिंग निकल जाएगा दैट इज 136.37। आपको डिटेल में समझाने के लिए सिंपल से मैंने आपको कैलकुलेटर का स्टेप बता देता हूँ कैसे हमने इस पॉइंट को निकाला। जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया था 137.975, ठीक है, उसमें से हमने माइनस करा, क्या माइनस करा 1.605, तो हमारा वैल्यू कितना आया 136.37, तो हमने इसमें आरएल में लिखा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेशन के, तो थर्ड स्टेशन में आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का क्या होता है, वो हमारा वैल्यू दिया हुआ 137.975, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का निकालने का, तो हमारा हाइट ऑफ निकालेंगे माइनस, माइनस हमारा कितना है 0.995, ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट में हमारा कितना आया वैल्यू देखिएगा 137.975 माइनस 0.995, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, सिंपल सी बात है 136. हमारा कितना आ रहा है, हमारा आरएल कितना आ रहा है 136.98। तो हमारा जब ये निकल गया तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा, तो कैसे निकल जाएगा, वैन 136.98 से हम लोग क्या करेंगे आरएल को में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए बैक साइड को ऐड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, सिंपल सी बात है 139.07, ठीक है, तो हमारा ये हो गया। तब ये हमारा चेंज पॉइंट हुआ, तो इससे फिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिस टू इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने जब सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, नेक्स्ट आरएल आ जाएगा, क्या आ जाएगा नेक्स्ट आरएल, यानी आरएल निकालने क्या होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड और बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड, तो हमने इससे ये माइनस करा तो हमारा वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 136.205। यहाँ पे हमारा था चेंज पॉइंट एट थर्ड, ठीक है, फिर हमने इसे करा, अब हमारा नेक्स्ट अगेन चेंज पॉइंट आ जा रहा है, तो हम लोग 139.07, ठीक है, इससे हम ये माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट आरएल आ जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट आरएल कितना है 137.805 आया, इससे अब इससे हम ओके, जब ये आ गया तो इससे हमारा जब इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ 138.405, हमारा वैल्यू आ गया, नहीं अगेन हमारा चेंज पॉइंट है, तो इससे हमने क्या करा इसको सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ गया कितना आ गया 136.42, ठीक है। अब जब हमारा क्या आ गया आरएल आ गया तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, मैं इसको हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए माइनस एफ एस ऑन आई एस करते हैं, तो इस ये निकल गया बेंचमार्क, तो हमारा इसमें बैक साइड को ऐड कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा दैट इज 137.465, हमारा ये वैल्यू आएगा। लास्ट में हमारा क्या दिया हुआ है फोर साइड दिया हुआ है, तो फोर साइड को निकाल हमारा क्या निकलेगा बेंच रेड्यूस लेवल है बेंच मार्क ही निकलेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे सिंपल सी बात है ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा आरएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ कितना 137.465 माइनस हमारा कितना दिया हुआ 2.685, इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आखिरी वैल्यू आएगा कितना का 0, 16 में से आठ गया 8, ठीक है, 3 में से 6 तो 13, 13 में से 6 गया 7, ठीक है, प्लस यहाँ 6 बजेगा 6 में से 2 गया 4, 3, 1, तो 134 कितना आ जा रहा है हमारा लास्ट वैल्यू 134.780, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन निकल गया, आंसर बना लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग जो बनाए हैं करेक्ट है कि नहीं, तो उसको करने के लिए हम लोग बैक साइड को पूरा ऐड कर लेंगे, समेशन ऑफ बैक साइड, ठीक है, तो हमारा बैक साइड का कितना वैल्यू टोटल आप जब जोड़िएगा, ठीक है, तो हम जब 2.25 2.090 प्लस 0.600 प्लस 1.0545 जोड़ें तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 5.96। सिमिलरली आप फोर साइड को भी आप ऐड कर लें, ठीक है, समेशन ऑफ फोर साइड कितना आ जाएगा हमारा 6.93, ठीक है, हमारा दोनों आ गया। अब हमको ये आ गया,
ठीक है, अब हमको चेक करना है, चेक। तो चेक का करने का फॉर्मूला है कि आप लोग सही बनाए कि नहीं बनाए, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, समेशन ऑफ फोर साइड माइनस समेशन ऑफ बैक साइड इज इक्वल टू फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर एल, ये फॉर्मूला में हम लोग। तो एफ साइड हमारा कितना दिया हुआ है, एफ एस दिया हुआ है 6.93 माइनस कितना दिया हुआ है, बी एस हमारा 5.96 इज इक्वल टू फर्स्ट आर एल। तो फर्स्ट आर एल हमारा कितना वो दिया हुआ है 135.75 माइनस लास्ट आर एल कितना दिया हुआ है 134.780। अब कैलकुलेट कीजिए तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो कैसे आएगा कैलकुलेट हम करके देखते हैं। तो हमारा वैल्यू है 6.93 माइनस 5.96, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू दोनों का आ रहा है, पहला का आ रहा है हमारा 0.97 इस इक्वल टू, अब इसको हम लोग सब माइनस कर लेते हैं 135.75 माइनस कितना है 134.780, उसको हमने माइनस करा तो हमारा वैल्यू कितना आया 0.97। तो दोनों हमारा प्रूव हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हमारा चेक करने के लिए बैक साइड ऑफ फोर साइड का जो सम करके समेशन ऑफ बैक फोर साइड माइनस बैक साइड करेंगे तो हमारा एक वैल्यू आएगा, उसके बराबर में हमारा फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर एल करना है तो उससे हमारा रीडिंग आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। ठीक है, आपको कैसे प्लॉटिंग करना है, आपको बी एस कहाँ डालना है, आई एस कहाँ डालना है, एफ एस कहाँ डालना है, फिर आपको इस दो फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप रीडिंग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक न्यूमेरिकल था किसमें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में। ठीक है, तो हमने इस क्लास में इसको देखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा इस क्लास में, समरी हमारा क्या है, वी हैव स्टडीड अबाउट द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड न्यूमेरिकल और हाउ टू डू इट, हाउ टू परफॉर्म इट, हाउ टू प्लॉट द स्टेशन मीन्स की पर्टिकुलर पॉइंट ऑन पर्टिकुलर स्टेशन। ठीक है, तो हम किस किस बुक से रेफर किया है, रेफर फ्रॉम एन एन बसक बुक, डॉक्टर बी सी पुनामिया बुक, एम एस दुग नागराजन एंड एस के दुगल एंड ऑल्सो हैव रेफर्ड ऑनलाइन सोर्स। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट डाउट सेशन में भी इस न्यूमेरिकल को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।